हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आलू की सॉफ्ट पूड़िया शेयर कर रही हूँ। इसकी रेसिपी आप लोग साथ यहाँ पर देखिए। इस तरह से आलू भरेंगे ना, प्रॉपर चारों तरफ आलू फैला हुआ होगा, केवल सेंटर में नहीं रहेगा। तो सबसे पहले उसका हम आटा तैयारी करते हैं, और मैं इसमें ना 2-3 चम्मच घी डालूँगी, जिससे बहुत ही सॉफ्ट पूड़िया तैयार होगी। और थोड़ा सा ना रोटी से इसका थोड़ा सा अच्छा डो तैयार करेंगे, मतलब सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। यहाँ पे देखिए आटा गूंथ रही हूँ मैं, और यहाँ पे देखिए इतना सॉफ्ट आटा। और ढक के ना हम कुछ देर के लिए रख देते हैं, और यहाँ पे उसका हम डालने के लिए आलू तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अदरक लूँगी, ये अदरक थोड़ा हार्ड वाला है, तो इसीलिए मैं थोड़ा इसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर ले रही हूँ, क्योंकि ना इसको हम कूटेंगे। और मैं 4 हरी मिर्ची ली हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग कम बेस कर सकते हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं डालना है हमें, तो इसीलिए हम 4 ही लिए हैं। और इसको ना गाइस छोटे छोटे पीसेस में कट करके, और उसको बाद हम कूट लेंगे। और यहाँ पे आलू बॉईल करके मैं छील के ले ली हूँ। तो यहाँ पे पहले आलू को मैश करेंगे अच्छे से, आलू मैश हो जाए ना, तो उसके बाद हम इसका बैटर तैयार करेंगे। तो गाइस, ये रेसिपी आप लोग को अच्छा लगेगा तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और प्लीज़ गाइस, जो भी हमारे चैनल पर नए होंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ली हूँ जीरा, हाथ पे क्रश करके डाल दी, और यहाँ पे वो जो अदरक और हरी मिर्च कूट के रखा था ना, वो डाल दी। और थोड़ा सा मैं इसमें, थोड़ा सा नहीं, स्वाद अनुसार नमक डालूँगी, वाइट नमक है। और थोड़ा सा इसमें मैं जीरा पाउडर डाली थी, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं काला नमक भी डालूँगी। इसके बाद हम इसमें कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। इसका बैटर हो जाएगा तैयार, और आटा भी सॉफ्ट हो गया है यहाँ पे। तो अब इसको हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, उधर तेल गरम हो रहा है, और यहाँ पे ये आटा की छोटा सा कटोरी बनाएंगे, उसमें ये आलू वाला बैटर है ना, उसको फिल कर देंगे। और यहाँ पे देखिए सेंटर में करके उसका जो एक्स्ट्रा आटा होगा निकाल देंगे। और यहाँ पे किचन काउंटर पर मैं थोड़ा सा तेल लगा के, थोड़ा सा नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा ही तेल है, क्योंकि अच्छे से वो बेला जाए। हल्के हाथ से बेलना है उसको, ज़्यादा हम नहीं दबाएंगे, नहीं तो फट जाएगा तलते समय। तो यहाँ पर देखिए तेल हो गया है गरम, और इसको तेल गरम होने के बाद मैं मीडियम टू लो फ्लेम रखी हूँ जी। उसके बाद हम इसको कुछ नहीं छेड़ेंगे, आँच सेम वहीं पर रहेगा। उसके बाद आप तलते जाइएगा, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बन के पूड़िया तैयार होएगी, और सारी पूड़िया फूलेगी ऐसे देखें। और तो गाइस, इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा। तो देखिए यहाँ पे सारे पुड़िया ऐसे धुल के तैयार हो गया है। तो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट डे नए ब्लॉग के साथ। टेक केयर।